हमारे यहाँ जो 24 अवतारों की कल्पना है, उन 24 अवतारों में सबसे पहले अवतार वराह भगवान है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे नियम के बारे में जिसे लेकर भारत में माहौल काफी गर्म चल रहा है। कौन सा है ये नियम और क्यों इसे गरबा पंडाल के लिए अपनाने की तैयारी की जा रही है? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि इस नियम के चलते गैर हिंदू गरबा पंडाल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और क्या ये बात सच है? आइए जानते हैं ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले, अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3 अक्टूबर 2024 से माता के 9 दिन यानी कि नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। आज भारत के हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में माता का आगमन हो चुका है। सभी हिंदू माता के आगमन से बहुत ही खुश हैं और सभी के मन में माता के आगमन को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जब देवी के 9 दिन यानी कि नवरात्रे शुरू होते हैं तभी से भारत में गरबा की धूम भी शुरू हो जाती है, और ये धूम अगले 9 दिन तक देखने को मिलती है जिसमें हर हिंदू काफ़ी हंसी खुशी के साथ शामिल होता है और गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्य यानी गरबा को जोरों शोरों से करता है। वैसे दोस्तों, अगर आपको भी नहीं पता कि आखिर गरबा क्यों खेला जाता है तो इसके पीछे की वजह क्या है, आइए सबसे पहले आपको गरबा के बारे में बता देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में गरबा खेलने से देवी दुर्गा के गर्भ में छिपी ऊर्जा और शक्ति प्रकट होती है। ऐसा माना जाता है कि गरबा ब्रह्मांड के निरंतर चलते रहने वाले चक्र को दर्शाता है जो जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक होता है। इसके अलावा दोस्तों, गरबा देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए 9 दिवसीय युद्ध का प्रतीक है और ऐसा हिंदू धर्म के अनुसार भी माना जाता है। हालांकि हिंदू धर्म में माना तो ये भी जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा करने और गरबा खेलने से माता काफ़ी प्रसन्न होती हैं, इसलिए हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले हर व्यक्ति गरबा पंडाल में गरबा करने जाता है और खूब झूमता है। पर दोस्तों, आपको बता दें कि पहले सिर्फ आधार वेरिफिकेशन करके ही किसी को गरबा पंडाल में एंट्री दे दी जाती थी, और क्योंकि आज भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हिंदू तो नहीं हैं लेकिन उनके पास हिंदू नाम का नकली आधार है जिसके चलते वह भी गरबा पंडाल में एंट्री पा लेते हैं, जिसके चलते पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड देखें तो यह पता चलता है कि गरबा पंडाल में पिछले कुछ सालों में दूसरे समुदाय के लोगों ने काफी हुड़दुंग मचाया है। यानी वह कभी गरबा पंडाल में गरबा कर रही महिलाओं को छेड़ते हैं तो कभी गरबा पंडाल में गुंडई मचाते थे। इन सब को देखते हुए कई बार लोग ऐसे ऐसे प्लान बनाते हैं कि दूसरे समुदाय के लोग गरबा पंडाल में एंट्री ना ले सके। जैसे कभी ऐसा नियम बनाया गया जो लोग गौमूत्र का छिड़काव करवाएंगे उन्हें ही गरबा पंडाल में एंट्री मिलेगी, तो कभी ऐसा नियम बनाया जाता कि गरबा पंडाल में उसी व्यक्ति को एंट्री मिलेगी जो गौमूत्र पिएगा। लेकिन दोस्तों, जब देखा गया कि इन सब आइडियाज से कुछ नहीं हो रहा यानी दूसरे समुदाय के लोग फिर भी गरबा पंडाल में आना बंद नहीं कर रहे, तो एक नया आइडिया जमाने के सामने पेश किया गया। जी हाँ दोस्तों, इस बार एक ऐसा नियम पेश किया गया है जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इस नियम के चलते दूसरे समुदाय के लोग गरबा पंडाल में एंट्री ना कर पाए। वेल, कौन सा है ये नियम, क्या होगा इस नियम के चलते, क्या सच में इससे दूसरे समुदाय के लोगों का गरबा पंडाल में आना बंद हो जाएगा, आइए जानते हैं। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो दोस्तों, इस बार नियम पेश किया गया है कि वो है 12 अवतार की पूजा, जो करेगा सिर्फ उसी व्यक्ति को गरबा पंडाल में एंट्री मिलेगी। जो 12 पूजा करने के दौरान शामिल नहीं होगा उसे गरबा पंडाल में एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी 12 पूजा होगी और उसके बाद ही गरबा के पंडाल में एंट्री शुरू हो जाएगी। वेल दोस्तों, 12 पूजा से गरबा पंडाल की सुरक्षा कैसे होगी उसे जानने से पहले आइए, जो लोग 12 अवतार के बारे में नहीं जानते उन्हें जरा 12 अवतार के बारे में बता दें। आपको बता दें कि आखिर सनातन धर्म में 12 अवतार क्यों मायने रखता है। तो दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार हिंदू धर्म में जिन 24 अवतारों की कल्पना है उनमें से सबसे पहले भगवान 12 अवतार ही हैं, जिन्हें सनातन में शुकर अवतार से जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि पहले के समय में इस दुनिया में हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस रहता था जिसने पृथ्वी का अपहरण कर लिया था, और भगवान नारायण को जब इस बात के बारे में पता चला तो उन्होंने पृथ्वी को अपनी धुरी पर फिर से स्थापित करने की ठानी, और तभी भगवान नारायण ने 12 अवतार या कहें शुक्र अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यप
से पृथ्वी को वापस लेकर वापस से पृथ्वी को उसी धुरी पर स्थापित कर दिया। इसलिए हिंदू धर्म में वारा अवतार को काफी माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, यहाँ तक कि कई तो उन्हें अन्य भगवानों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। खैर दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि आखिर कैसे वारा अवतार की पूजा करवाने से गैर हिंदू या दूसरे समुदाय के लोग गरबा पंडाल में एंटर नहीं कर पाएंगे। साथ ही जानते हैं कि आखिर कैसे 24 अवतारों में से एक अवतार यानी बारह अवतार गैर हिंदुओं को गरबा पंडाल से दूर रख पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले के समय में सिर्फ आधार वेरिफिकेशन के साथ ही व्यक्तियों को गरबा पंडाल में एंट्री दी जाती थी, जिसके चलते तमाम गैर हिंदू गरबा पंडाल में घुस जाते थे। लेकिन अब क्योंकि वारा अवतार की पूजा करने वालों को ही गरबा पंडाल में एंट्री मिलेगी, इससे गैर हिंदू गरबा पंडाल में एंट्री नहीं ले पाएंगे। और इसकी वजह यह है कि जो भी गैर हिंदू होगा वो वाराह की पूजा नहीं करेगा, जिससे ये साफ होता है कि कोई भी गैर हिंदू गरबा पंडाल में एंटर नहीं कर पाएगा। अब जहां सनातन धर्म में वारा अवतार को 24 अवतारों में से एक माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही पृथ्वी को अपनी धुरी पर स्थापित किया, जिसके चलते उन्हें सनातन धर्म में काफी पूजा जाता है। लेकिन गैर हिंदू इन्हें पूजेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके धर्म के अनुसार ये हराम है। और सिर्फ ये साफ होता है कि इस बार गैर हिंदू या मुस्लिम को गरबा पंडाल में जरा भी नहीं देखा जाएगा। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या वाराह अवतार की पूजा शुरू होने के बाद भी गैर हिंदू गरबा पंडाल में एंट्री करेंगे? लेकिन अगर उन्हें एंटर होना है तो उन्हें वाराह अवतार की पूजा में शामिल होना पड़ेगा, जो कि शायद संभव नहीं है। इसके लिए आप जरा ये क्लिप देखिए। जाएंगे गरबा? जा भी सकते, पर कैसे जाएंगे? वराह की सुअर की पूजन करके जाएंगे? फिर नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? हमारे हराम है ना। क्या हराम है? ये सुअर। सुअर आप नहीं करते हैं पूजन? क्यों? गरबा जाना पसंद है कि नहीं है आपको? हाँ, तो ऐसे चले जाओ, उनमें क्या होता है, चले जाते थे हम लोग। क्यों? घूमने के लिए। घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन पूजन करके नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, जब इन जनाब से पूछा गया कि क्या आप गरबा पंडाल में जाएंगे, तब इन साहब ने हाँ कह दिया। और ये अब तक ऐसे घूमने के लिए गरबा पंडाल में चले भी जाया करते थे, लेकिन जब इनसे कहा गया कि अगर वाराह पूजा का नियम शुरू हो गया तो क्या आप वाराह अवतार की पूजा करके पंडाल में जाएंगे, तब इन्होंने साफ इनकार कर दिया। और अब इनसे पूजा करके पंडाल में ना जाने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे में सुअर हराम है। यानी दोस्तों, इनके बयान के अनुसार देखा जाए तो शायद ही वाराह अवतार की पूजा करके कोई गैर हिंदू पंडाल में प्रवेश करेगा। इन सब के अलावा, अगर आप भी सोच रहे हैं कि अगर कोई गैर हिंदू वाराह की पूजा करने के बाद भी गरबा पंडाल में चला गया तो उसके साथ क्या किया जाएगा, तो इसका जवाब आप जरा बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा जी से सुन लीजिए। लोग, पहले आपने मैंडेटरी कर लिया आधार कार्ड, हम मैंडेटरी करेंगे गरबा में एंट्री के लिए, लेकिन लोग फर्जी आधार कार्ड लेके पहुंच गए। यदि बराए की पूजन भी कर दी तो फिर क्या करेंगे? अब ये तो यदि वो कर लेते हैं तो हमको तो खुशी है, वेलकम है, स्वागत है। कोई गौमूत्र पी करके आता है या कोई वराह की पूजन करके भी उसमें सम्मिलित होता है तो उनका स्वागत। यहाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, रघुनंदन शर्मा जी ने कहा है कि अगर कोई भी गैर हिंदू गौमूत्र पीकर या वाराह अवतार की पूजा करने के बाद गरबा पंडाल में आता है तो उसका खुले दिल से स्वागत है, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा और ना ही उसका कोई विरोध किया जाएगा। खैर दोस्तों, आप हमें बताइए, आपको क्या लगता है कि गरबा पंडाल के बाहर इस नियम को लागू किया जाएगा या नहीं? क्या सच में बारह अवतार की पूजा के नियम से शुरू हो जाने के बाद गैर हिंदुओं का गरबा पंडाल में आना बंद हो जाएगा? अपनी राय कॉमेंट करके बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साइड में आ रहे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, जिससे ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।